माध्यमिक शिक्षक संघ का आज धरना यहाँ पे सुबह 12 बजे से शुरू हो गया। इस वक्त हम खड़े हैं शिक्षा भवन पे और हमारे साथ आप पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये धरना बड़ी संख्या में चल रहा है। सुबह से ही यहाँ पर जो शिक्षक हैं मौजूद हैं, इनका धरना शाम तक चल रहा है और हम इन लोगों से भी बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या है, किस लिए ये लोग धरना कर रहे हैं। हम मेरे साथ मौजूद हैं सर, आपका नाम क्या है? आशीष कुमार सिंह, प्रादेशिक महामंत्री। सर, धरने का कारण क्या है, आप लोग किस मुद्दे पर आज? धरने का कारण ये है कि सरकार की जो शिक्षक समस्याओं के प्रति उदासीनता है, इसके चलते हुए धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। पूरे प्रदेश में 7 सितंबर से 14 सितंबर तक लगातार धरना प्रदर्शन विविध मंडलों में जारी है। मंडलों में क्रमानुसार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। 7 में बनारस से शुरू हुआ था और आज 12 सितंबर को लखनऊ मंडल में। सरकार द्वारा शिक्षक समस्याओं के लिए जो उदासीनता है, जैसे अभी एक यूनिफाइड पेंशन योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है, हम लोग उससे सहमत नहीं हैं। हम लोग GPF आधारित पुरानी पेंशन योजना को ही चाहते हैं और उसी के पक्ष में हमारा धरना प्रदर्शन। इसके अलावा संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर कई चीज़ें यहाँ लंबित रहती, अवशेष भुगतान, वेतन निर्धारण, चयन वेतन मान के अवशेष, जिनका भुगतान सालों साल से नहीं हो पाता है। जैसे एक शिक्षक का वेतन निर्धारण हुआ जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के कार्यालय में, तो उनका निर्धारण 3 महीने लेट किया गया और जब किया गया तो गलत कर दिया गया। ऐसी चीज़ें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती। अभी अयोध्या जनपद में एक विजिलेंस जांच के लिए विजिलेंस ने कुछ शिक्षकों के पत्रजात मांगे और उन पत्रजात को शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश में जारी कर दिया। 1981 से 2020 तक नियुक्त सभी शिक्षकों के पत्रजात भेजे जाए। जब तक आयोग फंक्शन नहीं कर रहा था तब तक विज्ञापन नोटिस बोर्ड में लगता था। जो शिक्षक इस समय नोटिस बोर्ड के विज्ञापन में भर्ती हुए हैं, वो विज्ञापन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो उनका विभाग और प्रबंधन द्वारा शोषण होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस आदेश को वापस ले, जांच को उसी दायरे में करे जहां उसकी आवश्यकता है। इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले आदेशों पर रोक लगाई जाए। आगे की रणनीति आप लोगों की है, आज आप लोगों का धरना चल रहा है, अगर आज के धरने पे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन JD के माध्यम से प्रेषित कराएंगे और इसके लिए हम 15 दिन प्रतीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी कार्य समिति की बैठक होगी, पूरे प्रदेश में जो हमारे मंडलीय मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हुआ है इनकी समीक्षा की जाएगी और अगर समाधान नहीं आता है तो हम लोग नवम्बर में शिक्षा निदेशक कार्यालय पर बड़े पैमाने का घेराव प्रदर्शन करेंगे। बेशक ही पूरी होती है तो ये नवंबर में बेसिक शिक्षा निदेशालय पे घेराव करेंगे। मैं अमरजवाला से कुलदीप सिंह, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।